सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नई वीडियो आपकी एक्सरसाइज 2.3 करने वाले हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 और फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैं आपको कराता हूँ, बाकी के पार्ट आप एज इट इज करना है। पाई वाला क्वेश्चन भी है, पाई की वैल्यू आप या तो 22/7 रख के सॉल्व कर लेना या पाई ही रख के सॉल्व करो, पाई में आंसर छोड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं करके बताता हूँ, वैसे ही आपको सारे पार्ट करने हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, हमें बोला भाई डिवाइड करना है इसको इससे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक्स इजिकल टू माइनस वन, एक्स इजिकल टू माइनस वन इसमें पुट कर देंगे, यानी कि ये ले लेते हैं कि ये पॉइंट नंबर पी एक्स है, दैट इज एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जिन्होंने रिमाइंडर थ्योरम देखी है उनको समझ आ जाएगा कि एक्स इजिकल टू माइनस वन रखा है हमने, ठीक है। उसके अलग यहां पुट कर देंगे सीधा सीधा, तो यानी कि माइनस वन इजिकल टू, तो माइनस वन का क्यू प्लस 3 माइनस वन का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस वन प्लस वन, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा माइनस वन ही होगा, ये हो जाएगा आपका 3, क्योंकि 1 माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस माइनस इंटू भाई माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो यानी कि 3। तो ये देखेंगे 3 इंटू माइनस वन तो माइनस 3 प्लस 1, तो 3 से 3 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, ठीक है। ये आपका आंसर है रिमाइंडर, बस आपको ऐसे ही करना है, सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सारे पार्ट आपको ऐसे ही करना है एज इट इज। देन क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है आपको भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। जब ये डिवाइड हो रहा है x माइनस ए से, तो ए की वैल्यू निकालो, फाइंड करो ए, तो करना कुछ नहीं है, सेम भाई x माइनस ए इक्वल टू 0, तो ये जाएगा x इक्वल टू ए, ए पुट कर दो इसमें, ठीक है। यहां पे x है वहां a कर दो, यानी कि px आपका इस तरह से रहा होगा, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। तो यहां पे हम कर देंगे भाई पी एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है ए, तो ए पुट कर दो, ए क्यूब माइनस ए इंटू ए का स्क्वायर 6a माइनस 1, तो यानी कि ये हो जाएगा भाई ए क्यूब ए की पावर 1 2, तो यानी कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो m प्लस n हो जाता है, तो 2 प्लस 1 3 प्लस 6a माइनस 1, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल 6, ठीक है। ऐसे यहां पे 1 नहीं, यहां पे a है, ए है, तो 6 में से ए जाएगा तो कितना आ गया 5 है, ये आपका आंसर है ना, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसने बोला हुआ है यानी कि चेक करना है। तो कोई भी किसी का फैक्टर तब होता है जब रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको बोला हुआ है चेक करना है, तो उसमें क्या करोगे आप, एक्स की वैल्यू निकालोगे, एक्स से निकालोगे जो आपको दे रखा है उसमें पुट करोगे जिसमें चेक करना है, अगर 0 आया तो वो उसका फैक्टर है, अगर नहीं आया तो नहीं है। कैसे, इफ आई से दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, अगर 2 8 का फैक्टर है, तो अगर मैं 8 को डिवाइड करूंगा 2 से, 2 फोर जा 8, रिमाइंडर क्या आया 0, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो 2 क्या है इसका फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 3 में यही अप्लाई करना है, अगर यानी कि एक्स की वैल्यू पुट करने पे 0 आ गया तो उसका फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। सिंपल सा है ये, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, ठीक है। थैंक यू।